तो हेलो गाइज, मेरा नाम है अजय डाकर और आज हम आ चुके हैं एक और अनदर वीडियो के साथ जो कि होने वाला है GTA 5 का। तो गाइज फाइनली हम आ चुके हैं लॉस सैंटोस के अंदर और मैं यहाँ पे अभी किसी को भी नहीं जानता हूँ गाइज सिवाय किंग के। किंग मेरा दोस्त है, मैं 15 साल पहले से उसको जानता हूँ भाई। ड्रग से सप्लाई करने में उसने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की थी तो भाई तब से मैं उसको जानता हूँ। तो चलो गाइज, उसने मेरे को बुलाया है, फाइनली मुझे उसके पास जाना है। उसने उसके लिए मेरे पास टैक्सी भी भेज दी भाई और एड्रेस भी भेज दिया मुझे जो कि है डॉलर पिल्स का भाई। तो हमें डॉलर पिल्स पे जाना होगा गाइज, वहीं हमें किंग मिलेगा। तो चलो यार गाइज चलते हैं फिर डॉलर पिल्स की तरफ और आजू बाजू कहीं पे टैक्सी खड़ी होगी, टैक्सी मुझे पकड़ के वहां पे जाना है भाई, उसने बोला था। तो चलो फाइनली टैक्सी भी आ चुकी है गाइज, चलो चलते हैं फिर टैक्सी की तरफ और बैठते हैं फटाफट से टैक्सी में और चलते हैं यार डॉलर पिल्स की तरफ। तो चलो गाइज मैं बैठता हूँ टैक्सी में और यहाँ पे मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और चल भाई टैक्सी वाले फटाफट से मुझे डॉलर पिल्स की तरफ ले चल। अरे तोड़ दे भाई फटाफट चल यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास भाई। तो गाइज आप देख सकते हो हमारी टैक्सी चल चुकी है डॉलर पिल्स की तरफ। तो चल भाई फटाफट से उड़ा के ले चल, भगा के ले चल भाई फटाफट से। किंग मेरा दोस्त वहाँ पे खड़ा है जो कि ज़्यादा वेट नहीं करना चाहता भाई, वो भी उसका भी वक्त बहुत कीमती है यार। तो देख सकते हो यार आप लॉस सैंटोस का नज़ारा भाई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है भाई। और यहाँ पर चलो गाइज हम आ चुके हैं डॉलर पिल्स पे यार, तो यही जगह है शायद वो। हाँ बिल्कुल यही जगह है यार गाइज, हमें यहाँ पे उतरना है भाई, यहाँ पे हमें किंग मिलेगा। अभी तो मुझे वो आजू बाजू कहीं दिख नहीं रहा है, शायद वो अभी आया नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगा। चलो मैंने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए भाई, चल भाई। तो चलो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ गाइज किंग का। उसने अभी मुझे कुछ भी नहीं बताया कि वो मुझे कहाँ लेके जाने वाला कहाँ नहीं गाइज, सिर्फ इतना बताया कि मेरी किसी से मीटिंग है भाई। तो चलो यार देखते हैं फिर वो मुझसे आके क्या बोलता है। ओके फाइनली गाइज किंग आ चुका है भाई और अब ये मुझे बताएगा कि हमें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, देखता हूँ ये मेरे से क्या बोलता है भाई। ऑल राइट, ये मेरे से बोल रहा है गाइज कि एक बंदा है जो कि शहर का बहुत बड़ा बंदा है, हमें उससे मीटिंग करनी है जिसके लिए हमें जाना होगा उसके ऑफिस पे गाइज। वो हमें वहीं मिलेगा, वहीं अपना सारा प्लान बताएगा हमें कि हमें क्या क्या करना है आगे भाई। तो ठीक है गाइज मैं इससे बोल देता हूँ कि भाई चल ठीक है मुझे ले चल भाई उसके पास। तो ये बोलता है चल यार चलते हैं भाई फिर उसके पास। तो गाइज चलो यार फिर हम चलते हैं यार उससे बंदे के पास मीटिंग के लिए। तो जब तक जो बंदा नया है यार गाइज लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को ऐसी ही सीरीज को आगे देखने के लिए भाई। तो चल भाई किंग फटाफट से गाड़ी को दौड़ा और ले चल उस बंदे के पास। तो चलते हैं यार गाइज, फाइनली अपन आ चुके हैं भाई अपनी गाड़ी में। ये गाड़ी का मुझे नहीं पता है कौन सी गाड़ी है कौन सी नहीं, अभी मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। मैंने अभी किंग से इस बारे में बात भी नहीं की है कि उसके पास ये कौन सी गाड़ी है, उस बंदे की है या इसकी खुद की गाड़ी है भाई। अभी तो ये फिलहाल मुझे उस बंदे के पास लेके जा रहा है। तो ओके गाइज फाइनली हम आज शायद उसके ऑफिस पे आ चुके हैं। तो जी हाँ हम उसके ऑफिस पे आ चुके हैं भाई, किंग मुझे बता रहा है कि यही उसका ऑफिस है। तो चल मेरे भाई किंग फटाफट से चलते हैं इसमें अंदर और करते हैं भाई उस बंदे से मीटिंग और पूछते हैं उस बंदे का प्लान क्या है भाई, आखिरकार वो क्या हमसे चाहता है करवाना। तो ठीक है भाई चलो अंदर चलते हैं गाइज और देखते हैं अंदर ये कैसा उसका ऑफिस है, क्या वो हमसे करवाना चाहता है भाई, क्या हमारा मिशन है या फिर आप ये बोल सकते हो। तो ठीक है गाइज फाइनली हम चलते हैं अंदर भाई। ऑल राइट गाइज हम आ चुके हैं अंदर भाई और ऑफिस किधर है भाई किंग? अच्छा अच्छा पीछे है भाई पीछे है, ठीक है गाइज ऑफिस इधर है, उधर नहीं है जिधर हम देख रहे थे। तो हम जाने वाले हैं भाई अंदर उसके पास, शायद वो हमें अंदर मिलेगा अपने मेन ऑफिस में भाई। तो चल मेरे भाई किंग फटाफट से चलते हैं यार अंदर। ऑल राइट गाइज, तो बंदा सामने फोन पे लगा हुआ है भाई, तो अभी वो शायद फोन पे बात कर रहा है और वो अभी पीछे की तरफ घूम गया किंग को देख के। ठीक है भाई किंग उससे पूछ रहा है गाइज क्या बातें कर रही हैं क्या नहीं कर रहे हैं ये मुझे अभी नहीं पता है, वो किंग इससे बात करने के बाद मुझे बताएगा कि भाई आखिरकार इन दोनों के बीच क्या बात हो रही है। ऑलराइट गाइज, तो किंग मुझे बता रहा है कि भाई हमें इस बंदे के साथ जाना होगा इसके खुफिया बेस पे जो कि है लॉस सैंटोस के जंगलों में भाई। तो मैं इससे बोलता हूँ ठीक है भाई, इससे बोल दे कि चलते हैं फिर हम इसके बेस पे भाई जहाँ की हमें सारी मीटिंग बनानी है। ये बोलता है ठीक है भाई मैं इससे बोल देता हूँ। तो ठीक है गाइज फाइनली हम चलते हैं भाई इस बंदे के साथ इसके खुफिया बेस पे, जिसका नाम लोकेशन अभी मुझे फिलहाल नहीं पता है, मुझे सिर्फ इतना पता चला है किंग के द्वारा। हमें जाना होगा गाइज ऊपर इसके हेलीपैड पे जहाँ पे इसका खड़ा है चॉपर, जिससे हम जाएंगे इसके खुफिया बेस पे भाई। गाइज हम आ चुके हैं ऊपर भाई हेलीपैड पे गाइज, तो चलो फटाफट से चलते हैं भाई और बैठते हैं इसके चॉपर में और चलते हैं गाइज इसके खुफिया बेस की तरफ। तो हमें सामने से गाइज जो सीढ़ियाँ हैं इस पे से चढ़ के जाना होगा ऊपर हेलीपैड पे गाइज जहाँ पे खड़ा है इसका चॉपर भाई, और उसमें बैठ के फिर हम रवाना होंगे भाई इसके खुफिया बेस की तरफ। तो ऑलराइट गाइज आप देख सकते हो ये है इसका चॉपर भाई, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है भाई देखने में, मुझे तो भाई बहुत मजा आने वाला है इसमें भाई बैठ के भाई। तो ये स्टार्ट हो चुका है, तो किंग इसकी ड्राइविंग कर रहा है भाई फिलहाल। तो चलो भाई बैठ जाता हूँ फिर मैं फटाफट से इसमें। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ फाइनली चॉपर में भाई, और चल किंग भाई फटाफट से ले चल भाई इसको उड़ा के।
और पहुंचा दे भाई फटाफट से जगह पे भाई। तो किंग भाई इसकी ड्राइविंग कर रहा है भाई और किंग ही इसको चला रहा है, तो किंग वहां पे हमें पहुंचाने वाला है भाई इसके थ्रू। तो ये देख रहे हैं गाइस आप क्या ही नज़ारा दिख रहा है भाई पहाड़ों का टॉपर में से भाई। तो जैसा कि मैंने पूछा था किंग से भाई कि इस बंदे का क्या नाम है, क्या इसका बायोडाटा है, क्या इसकी बैकग्राउंड है भाई, तो किंग ने मुझे बताया कि इसका नाम मिस्टर डेनिस है भाई और ये लॉस सैंटोस का सबसे अमीर आदमी है भाई और हमें इसके लिए ही काम करना होगा। ये थोड़ा दो नंबर का काम भी करता है भाई और ड्रग्स व्रग्स का भी थोड़ा काम कर लेता है और गन्स वगैरह भी थोड़ा काम करता है। तो हमें इसका जो सीक्रेट टास्क है भाई वो कंप्लीट करना, अभी मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता कि वो सीक्रेट टास्क है क्या, बट थोड़ी देर में मुझे पता चल जाएगा भाई इसका क्या टास्क है जो इसने हमें दिया है, इसका कौन सा मिशन है जो कि हमें करना है। और फाइनली गाइस आप देख सकते हो हम इसके सीक्रेट बेस पे पहुंच चुके हैं भाई। तो चल भाई किंग भाई उतर जा फटाफट से हेलीकॉप्टर में, और हम उतर चुके हैं भाई हेलीकॉप्टर से और हम जा रहे हैं इसके सीक्रेट बेस की तरफ भाई। तो चलो भाई मिस्टर डेनिस बॉस चलते हैं फिर आपके बेस में। और ये देखो भाई सबसे आगे चल रहे हैं मिस्टर डेनिस, उसके बाद किंग चल रहा है, उसके बाद मैं चल रहा हूँ भाई। तो चलो गाइज फाइनली इसके बेस के अंदर चलते हैं। ऑलराइट गाइज हम आ चुके हैं इसके बेस के अंदर भाई, और वाओ गाइज आप देख सकते हो क्या ही बेस है भाई, लिटरली क्या बेस बना रखा है इस बंदे ने अपना। तो भाई चल भाई किंग देख रहा है क्या बेस है भाई, तो किंग भी कह रहा है यार वाओ क्या खतरनाक बेस है। तो भाई आप देख सकते हो दो सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पे खड़े हुए हैं इसके, और ये भाई साहब इस सिक्योरिटी गार्ड के पास जा रहा है और ये से कुछ बातें कर रहा है गाइस, शायद इससे बोल रहा है कि भाई अंदर किसी को मत आने देना, इसमें हमारी सीक्रेट मीटिंग चलने वाली है। तो शायद मुझे लगता है कि ये ऐसा ही बोल रहा है। ऑलराइट गाइस ये इससे इसको बता चुका है भाई इसको क्या करना है सिक्योरिटी गार्ड को, और हम भी अंदर चलते हैं भाई। ये क्या ही बेस है इसका, और गाइस सामने भी एक बंदा खड़ा है, पता नहीं ये कौन है बट कोई तो खड़ा है भाई सामने, और ये शायद इससे बातें करेगा। नहीं 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 इससे इसने बिल्कुल भी बात नहीं की और ये सीधा जा रहा है, और ये मेटल डिटेक्टर है शायद जो कि ये चेक करेगा कि हमारे पास कुछ है तो नहीं, और हमारे पास तो वैसे भी कुछ है ही नहीं, मेटल डिटेक्टर का क्या ही काम है। और यहाँ पर दो सामने दो लेडीज भी बैठी हैं भाई, और एक ओके ऑलराइट गाइस एक बंदा इधर भी है भाई, और सामने भी मुझे एक बंदा शायद दिख रहा है भाई। तो ये काफ़ी अच्छा बेस है भाई, और ये यहाँ पे इस बंदे से कुछ बातें करने वाला है भाई, और ये इससे बोलने वाला है कुछ शायद इसने करने का। अच्छा ये इससे बोल रहा है कि भाई अंदर किसी को नहीं आने देना है। तो ऑलराइट गाइस चलो फिर चलते हैं भाई फिलहाल इनके पीछे। ये हमारे सामने आप लोगों को पता है मिस्टर डेंजर, और ये देखो भाई क्या ही वो था भाई। हेलो गाइस काफ़ी खूफिया बेस लग रहा है भाई देखने में, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा अंडरग्राउंड है ये, और भाई बिल्कुल खूफिया। और ये हमें दिखा रहा है भाई कि यहाँ पे देखो LED वगैरह लगी हुई है, साइड में एक रूम है और सामने से भी जाने का एक हॉल है भाई, जिसमें से हम शायद ये हमसे बोल रहा है कि हमें सीधा जाना है भाई इसमें। हाँ बिल्कुल ये हमें सीधा जाने के लिए बोल रहा है भाई, और पता नहीं गाइज अभी क्या होगा। और ये सामने की तरफ इशारा कर रहा है, शायद इस रूम में हमको जाना होगा भाई। ऑलराइट गाइज बिल्कुल ओ माय गॉड गाइज आप देख सकते हो इसने सामने क्या लगा रखा है, इसमें तो सारे लॉस सैंटोस का नक्शा दिख रहा है भाई हमें, और ये देखो दिखा रहा है भाई सारे लॉस सैंटोस, लिटरली भाई मजाक है कि सारे लॉस सैंटोस का वो दिख रहा है हमें मैप इसमें भाई। तो मिस्टर डेनिस हमको दिखा रहे हैं मैप में गाइज कहाँ से हमें यू टर्न लेना, कहाँ से हमें घूमना है, और वो दिखा रहे हैं कि इधर से जाना उधर से जाना। लिटरली मुझे नहीं पता है लॉस सैंटोस में किधर से यू टर्न लगेगा किधर से, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ। और वो किंग को बता रहा है कि वहाँ से यू टर्न लेना वहाँ से लेना, क्योंकि मुझसे बहुत बेहतर तरीके से लॉस सैंटोस का मैप जानता है किंग। और अभी वो हमको बता रहे हैं कि हमें एक बाहर रूम में जाना होगा जहाँ से हमें कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, और इनका एक आदमी हमारे साथ चलेगा, और फिर हमको वो बता रहे हैं कि वहाँ से हमें यू टर्न लेके इधर से एक बेस में जाना, खूबे बेस में। तो ठीक है वो बोल रहे हैं चलो भाई मैं आप लोगों के कपड़े चेंज करवा देता हूँ और उस बंदे को आपसे मिला देता हूं जिसके साथ आपको जाना है। तो चलो गाइस फटाफट से चलते हैं हम उस रूम में गाइस जहां पे हमें कपड़े चेंज करने होंगे। और ये आप देख सकते हो किंग चल रहा है, उससे आगे मिस्टर डेनिस चल रहे हैं भाई, और शायद वो रूम यहीं कहीं आजू बाजू। ओके ऑलराइट गाइस शायद वो साइड वाला रूम है, बिल्कुल वही रूम है गाइस जहाँ पे हमें अपने कपड़े चेंज करने हैं भाई। हमें इसमें अंदर जाना होगा और अंदर इसमें कपड़े चेंज करना होगा, और इनका एक आदमी जो कि हमारे साथ जाएगा भाई उस खुफिया डॉक्यूमेंट को साथ लेने के लिए, जितना मुझे समझ आया इतना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ भाई। और ये अभी बाहर जा रहे हैं मिस्टर डेनिस शायद बिल्कुल अपने उस बंदे को बुलाने के लिए। तो ठीक है गाइज फिर हम कपड़े चेंज कर लेते हैं फटाफट से। ऑल राइट गाइज मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए, और ये उनका बंदा है सामने आप देख सकते हो, मैं बीच में किंग और आगे इनका बंदा चल रहा है भाई। हमें इसके साथ जाना है उस जगह पे, और हमने वैसी ही आउटफिट पहन लिया जैसी उन बंदों ने पहन रखी होगी वहाँ पे, जो कि उनका बेस है गाइज। तो चलो फटाफट से भागते हैं गाइज और पहुँचते हैं बाहर, और अपनी जो गाड़ी खड़ी है मतलब इनकी जो गाड़ी खड़ी है उसमें बैठ के हमें जाना है वहाँ पे भाई, और उस पर हवा बोलना है भाई उस बेस पे, और वहाँ से चुराना है हमें लिटरली
वो खुफिया डॉक्यूमेंट मेरे भाई। तो चलो गाइज फाइनली हम निकलते हैं इससे बाहर भाई। ओके ऑल राइट गाइज, ये खुल चुका है बाहर और हम अब यहाँ से जा रहे हैं भाई बाहर की तरफ जहाँ पे हमारी गाड़ी होगी। ओके साइड में हेलीकॉप्टर भी आपको दिख रहा है, मतलब चौपर भाई आ चुके हैं निकल के इससे। और ये खड़ी वो गाड़ी जिसकी मैं आपसे अंदर बात कर रहा था। तो चल मेरे भाई किंग फटाफट से ले चल इसको। किंग को ऑलरेडी उन्होंने सारा नक्शा समझा दिया था, किंग मुझसे बेहतर तरीके से उस नक्शे को जानता था गाइज। ये लॉस सैंटोस को बहुत काफ़ी दिनों से लॉस सैंटोस में रह रहा है, तो इसको सारी जगह फिलहाल पता है कहाँ से कैसे जाना है, तो यही ड्राइव कर रहा है। तो अब चलते हैं गाइस फिर उस बेस की तरफ जहाँ पे हमें जाना है भाई। और किंग भाई थोड़ा आराम से चलाओ यार, कहीं गाड़ी को डैमेज वैमेज मत करो यार, तुमको दाद हो गए क्या? हेलो यार ऐसी ड्राइविंग मत करो किंग भाई। तो ऑल राइट गाइस हम आ चुके हैं भाई यहाँ पे हाईवे पे और अब हम जा रहे हैं अपने उस बेस की तरफ। तो अभी मुझे बिल्कुल लिटरली कोई अंदाज़ा नहीं है गाइस कैसा वैसा। ऑल राइट गाइस तो हम आ चुके हैं भाई उस बेस की तरफ भाई, जिस बेस में शायद ये वही बेस है जिसमें से हमें वो खुफिया डॉक्यूमेंट चुराना है गाइस। बिल्कुल मुझे लगता है जिस हिसाब से किंग इसको देख रहा है यही वो बेस है भाई। और यहाँ पर किंग ने साइड में गाड़ी लगा दी है तो वो मेरे से उतरने के लिए बोल रहा है। ओके गाइज मैं उतर चुका हूँ भाई, किंग ने बोल दिया गाड़ी से नीचे उतर। और वो छिप रहा है भाई, शायद बिल्कुल यही बेस है भाई और मैं उस पर गोली चला रहा हूँ भाई। ठीक है गाइज मैं कर देता हूँ फायर भाई इस पर और मैंने फायर कर दिया और वहाँ से भी सामने से फायर होने लगा गाइज। आप देखो तो कितने गंदे तरीके से वो हम पे फायर कर रहे हैं। ले साले तू ले पहले भाई, मैंने उसको दे दिया एक हेडशॉट। तो मैंने इन दोनों को भी निपटा दिया है गाइज। अब मुझे जाना होगा इस अंदर इस बेस में भाई। तो चलो गाइज फाइनली चलते हो। अरे भाई ये जिंदा है अभी, ले भाई ले तुझे भी मरना होगा। तो भाई मैंने इसको भी मार दिया गाइस। चलो फिर अंदर चलते हैं गाइस इस बेस में, हमें इस बेस में अंदर जाना है। तो चलो गाइस ऑल राइट गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर भाई। तो भाई सामने से फायरिंग की आवाज़ आ रही भाई, शायद सामने बहुत सारे बंदे हैं भाई, तो हमें जाना होगा। ओ भाई सामने बंदा है, तो मैंने इसको भी मार दिया गाइस। और अब मुझे छिपना होगा क्योंकि सामने से बहुत सारी गोलियों की आवाज़ आ रही है और मुझे भी बहुत सारी गोलियां पड़ती हैं भाई। और मेरे एक बंदे ने मशीन गन को निकाल लिया भाई और मैंने यहाँ सामने भी एक बंदे को मार दिया यार। और पीछे से मेरे को गोली लग रही है। ओके पीछे भी बंदा है। ओके भाई मुझे इसे भी मारना होगा, मैंने इसको भी मार दिया गाइस। अब सामने मुझे दो तीन बंदे और दिख रहे हैं, हमें इन्हें भी मार के जल्दी से आगे बढ़ना होगा गाइस। फटाफट से हमें उस जगह पे पहुंचने जहाँ पे डॉक्यूमेंट, मैंने इसे भी मार दिया गाइस। और एक सामने बंदा उसको भी मैंने मार दिया भाई। और पीछे से मेरा ही बंदा गोली चला रहा, मुझे लगा कोई बंदा पीछे भी खड़ा भाई। तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ नीचे से भाई। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदे मुझे दिख रहे हैं, एक ऊपर दिख रहा है, मैंने इसको भी मार दिया गाइस। और अभी यहाँ पे देखो उसका हेड दिख रहा है, मुझे उसे भी मारना होगा, इसको भी मैंने निपटा दिया गाइस। और पीछे से मेरा ही गंदा मशीन गन चला रहा है। ओ भाई सामने भी बंदा, लो भाई मैंने इसको भी मार दिया गाइस। और फटाफट से मैं चलता हूँ आगे की तरफ भाई, मुझे ऊपर चढ़ना है जल्दी से। तो आगे सीढ़ियाँ हैं, मुझे उससे जाना होगा ऊपर की तरफ क्योंकि उधर से राइट से ही उसका रास्ता है भाई, जहाँ से हमें अंदर उस बेस में जाना होगा जो कि नीचे है अभी शायद। तो चलो भाई सामने एक बंदा दिख रहा है, मुझे इसे भी मारना होगा। ओके मैं इसको भी मार देता हूँ गाइस, मैंने इसको भी निपटा दिया भाई। और सामने एक और बंदा गाइस, उसे भी मैं मार देता हूँ पहले, मैंने इसको भी मार दिया गाइस। अब मुझे जाना होगा लेफ्ट की साइड और ये देखो सामने दो तीन चार बंदे और खड़े, मैंने इन्हें भी मारना होगा। ओके मैंने सामने वाले दो को मार दिया, पीछे वाले दो इन्हें मुझे छिपके मारना होगा भाई। और ले भाई तू भी ले, मैंने उसको भी मार दिया गाइस। और ये चौथा बंदा फाइनली फिनिश हो गया भाई। तो यहाँ पे जितना मुझे लगता है सारे के सारे बंदे फिनिश हो गए। ओके भाई ये अभी मरा नहीं है, इन दोनों को मैं मार देता हूँ। तो इनको भी मैंने मार दिया, सामने से गोली अभी पड़ रही है। किंग भाई उसको मारो फटाफट से, किंग भाई फटाफट से मारो उसको। चलो फाइनली किंग ने उसको भी मार दिया गाइज। तो अब हमें जाना होगा गाइज इस बेस में अंदर भाई। तो चलो चलते हैं यार गाइज। ओके गाइज यहाँ पे बहुत सारे बंदे, चलो फटाफट से इन्हें भी निपटा देते भाई। अरे भाई दे इसको मुक्का पुलिस को भाई, मार दिया मैंने इसको भी गाइज। और सामने से बंदा मार रहा है, इसको भी मारो फटाफट से। और नीचे भी बंदे, ले भाई तुम भी लो। और अरे भाई गोलियां नहीं लग रही, देख रहे हो आप, मुझे जाके नीचे मारना होगा। लो भाई लो, निपटा दिया गाइज इनको भी। और फटाफट से चलो भाई नीचे की तरफ। अरे नीचे भी तो बंदे, मारो भाई फटाफट से इन्हें भी। चलो भाई मरो, तुम्हारा मरने का टाइम हो चुका है। तो इनको भी हमने निपटा दिया गाइज। तो आप देख सकते हो यार गाइज मैंने बिल्कुल फिनिश करके माना हूँ भाई मैं इनको। और ये लास्ट बंदा था शायद जिसको किंग ने निपटा दिया भाई। तो फाइनली गाइज हम सारे बंदों को निपटाने में कामयाब हो गए हैं भाई। और ये देखो सामने वो डॉक्यूमेंट्स रखा है, तो अभी मैं किंग से पूछने वाला हूँ कि इसमें से कौन सा वो डॉक्यूमेंट्स है जो मुझे उसमें रखना है अपने सूटकेस में। तो मैं उसको रख के भाई फिर हम यहाँ से फाइनली निकलेंगे। अभी फिलहाल हमने सारे बॉडीगार्ड यहाँ पे मार दिए, लेकिन हमें खतरा है कि भाई और बॉडीगार्ड ना आ जाए। तो चलो गाइज फाइनली मैंने अपना सूटकेस में वो डॉक्यूमेंट्स रख लिया और अब हमें यहाँ से जाना होगा गाइज बहुत ही। अरे कोई गोली चला रहा भाई, लेकिन लिटरली वो किंग के हाथों से चली थी गोली, घबराओ मत गाइस। हमने सारे बॉडीगार्ड्स यहाँ के मार दिए भाई और किंग मुझे बता रहा है कि वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने इसमें रखा है वो ठीक डॉक्यूमेंट्स है। तो हम यहाँ से चलते, वो बहुत करोड़ों का डॉक्यूमेंट्स है गाइज। आप ये समझोगे कि भाई ये मतलब एक डॉक्यूमेंट के लिए इतनी लड़ाई क्यों, लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा गाइज वो डॉक्यूमेंट आम डॉक्यूमेंट नहीं है। वो लॉस सैंटोस के अंदर जो बहुत करोड़ों अरबों का ड्रग्स रखा हुआ उसका, उसके अंदर
पता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये उसके अंदर उसका सारा खुफिया जानकारी है भाई कि कहाँ कहाँ वो ड्रग्स है, तो वो उस बंदे को शायद चाहिए भाई, इसीलिए उसने इतना रिस्क लेके ये डॉक्यूमेंट्स हमसे मंगवाया है। गाइज आप देख सकते हो गाइज कितने बंदों को हमने लिटरली यहाँ पे मारा है, देखो कितनी लाश पड़ी हुई है। ओ ये मैं सा भाई घबरा गया कि अभी कोई बचा हुआ, बट ये तो अपना ही बंदा था भाई। तो गाइज ये देख सकते हैं आप कितनी आतिशीबाजी ये कर रहे हैं अभी इनको मारने के बाद। बट फाइनली आप लोगों ने देखा भाई, हमने सारे बॉडी गार्ड्स मार दिए, अब हमें फटाफट से यहाँ से निकलना होगा, कहीं हम पे कोई अटैक और ना हो जाए भाई। खतरा है हमें पूरा पूरा दूसरा अटैक होने का, क्योंकि भाई आप जान सकते हो कि इस डॉक्यूमेंट्स के पीछे लॉस सैंटोस की सारी गैंगे पड़ी हुई हैं भाई, मुझे लिटरली बाद में पता चला गाइज। तो चलो गाइज फाइनली मैं इसके बाहर आ चुका हूँ भाई, और चलते अपने गाड़ी की तरफ भाग के भाई, और गाड़ी में बैठते हैं निकलते हैं यहाँ से फटाफट से, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने बता दिया भाई ये डॉक्यूमेंट्स इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, इसको पहुँचाना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है, किसी भी वक्त हम पे कोई भी हमला हो सकता है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इस डॉक्यूमेंट के पीछे लॉस सैंटोस की भाई सारी गैंगे पड़ी हुई हैं गाइज, समझ रहे हो ना आप भाई। तो बस गाइज इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट बहुत ही जरूरी है भाई। तो चलो गाइज फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से भाई मिस्टर डेनिस के घर की तरफ भाई। तो गायब दो भाई किंग फटाफट से जल्दी से दौड़ा भाई गाड़ी को, लिटरली मुझे बहुत खतरा महसूस हो रहा है कि कहीं हम पे कोई अटैक ना कर दे गाइज, तो इसलिए बोल रहा हूँ किंग भाई थोड़ी तेजी से गाड़ी को चला भाई, क्योंकि आप लोग जानते हो गाइज कि इस डॉक्यूमेंट के लिए कोई भी हमारा पीछा कर सकता है और कोई भी हम पे अटैक कर सकता है भाई, क्योंकि ये बहुत खुफिया डॉक्यूमेंट्स है गाइज। और यहाँ पर किंग भी बहुत बारीकी से गाड़ी चला, ओ गायब भाई जिसका मुझे खतरा था भाई वही हुआ गाइज, हम पे किसी ने अटैक कर दिया भाई। ओ मैं उतर जाता हूँ भाई गाड़ी से फटाफट से, अरे भाई किंग भाई मैं गिर गया हूँ गाड़ी से, भागो भाई फटाफट से, मेरे पे अटक हो रहा, मेरे पे गोली चला रहा गाइज, और किंग यहाँ पे मुझे कवर दे रहा भाई, जल्दी से मुझे गाड़ी में बैठना होगा। और ये भाई हम पे किसी ने अटैक किया मुझे कुछ नहीं पता भाई, मैं गाड़ी के पीछे छिप गया हूँ भाई। और यहाँ पर मैं किंग से बोलता हूँ भाई फटाफट से आ जा किंग भाई, उसको छोड़ हमें यहाँ से निकलना होगा। और यहाँ पर आरपीजी निकाल दी उस बंदे ने जो मिस्टर डेनिस ने हमारे पास साथ भेजा था भाई, और उसने वहाँ से उसकी गाड़ी को भाई आरपीजी से उड़ा दिया लिटरली। और भाई वो बंदा मेरी तरफ एम कर रहा है मुझे मारने की कोशिश, देख सकते हो आप गाइस मैं गिर चुका हूँ भाई, और मुझे फटाफट से गाड़ी में बैठना होगा, क्योंकि आप देख सकते हो हमारे ऊपर कितना खतरनाक अटैक हुआ भाई। किंग फटाफट से गाड़ी को निकाल भगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक हो चुका है हम पे। अरे अरे किंग भाई अपना बंदा गिर गया यार, फटाफट से पीछे ले गाड़ी को, अरे भाई किंग वापस ले गाड़ी को, वो मारा जाएगा यार, हमें वो बचाना है भाई। तो भाई किंग गाड़ी को वापस ले जा रहा क्योंकि वो बंदा पीछे रह गया, अरे भाई हटा ले यार क्यों बीच में आ रहा भाई, हमारी तो वैसे ही जान अटकी पड़ी है भाई, हटा भाई फटाफट से। तो गाइस वो बंदा आ चुका है यार, फटाफट से भाई जल्दी बैठ गाड़ी में और भगा किंग फटाफट से भगा भाई बहुत ज़्यादा, अरे पीछे नहीं भगाना यार आगे भगाना भाई गाड़ी को भगा भाई, वो हम पे गोली चला रहा है गाइस, आप देख सकते हो भाई हम पे कितना खतरनाक अटैक हुआ है भाई, और हम यहाँ पे बचने में अभी सफल हो गए गाइस, हमें यहाँ से बचना होगा, वो अभी भी हम पे गोली चला रहा है।